गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 7 का हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे। मैंने आपको पार्ट के नाम के विषय में और पार्ट के दो पहरे आपको पढ़ा दिए थे। पार्ट का नाम था हमारा दुर्बुद्धि विनिश्यति, अर्थात बुरी बुद्धि वाले का विनाश होता है। ये आपको मैंने कहानी बता दी थी। पेज नंबर 7 निकालिए, 7 पेज नंबर पर, क्योंकि 6 पेज नंबर हम पढ़ चुके थे। पेज नंबर 7, एवं काष्ठ दंडे, इस प्रकार लंब मानम काष्ठ दंडे, लकड़ी के डंडे पर लंब मानम लटके हुए कूर्म कछुए को गोपाल कहा, ग्वालों ने अपश्यत देखा। क्या देखा कि जब वो हंस उसको उड़ाकर ले जा रहे थे साथ में, तो जो ग्वाले होते हैं गाय चराने वाले, उन्होंने देखा। पश्चात, पश्चात होते हैं पीछे पीछे, अधावन दौड़ते हुए, उनके पीछे दौड़ पड़े वो अवदंच और बोले, क्या बोले, अहो अरे महादाश्चर्य महानाश्चर्य है, हंसाभ्याम सह हंसों के साथ कुर्मो अपि उड्यते, कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, उनमें से एक बोला, एक ग्वाले ने क्या कहा, यद इयम, यदि इयम यह कूर्म कछुआ, कथम अपि किसी भी तरह से, निपतति गिर जाता है, तदा तब अत्रैव यहीं पर पक्त्वा पकाकर खादिष्यामि खा जाऊंगा। अप्रह, अप्रह का होता है अन्य, दूसरे ने अवदत कहा। सरस तीरे, सरस नदी के तीरे किनारे पर, सरस तीरे नदी के किनारे पर दग्धवा जलाकर पकाकर खादिष्यामि खा जाऊंगा। अन्य एकथ्यत, एक और अन्य ने कहा, क्या कहा, गृहम नीत्वा घर ले जाकर भक्षिष्यामि खा जाऊंगा। तेषां तद्वचनम्, तेषां उनके, किनके, ग्वालों के, तद्वचनम्, तद ऐसे वचन बातें, ऐसे बातें श्रुत्वा सुनकर कूर्मः कछुआ क्रुद्ध जाता, गुस्से में लाल हो गया, क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम, अपने मित्रों को दत्तम दिए हुए वचन विस्मृत भूलकर सह अवदत, वह बोला, यूयम तुम सभी भस्म राख खादत खाओ, तुम सभी राख खाओ। तत्क्षण उसी समय कुर्मह कछुआ दंडात डंडे से भूमौ भूमि पर पतित गिर गया, वो पृथ्वी पर गिर गया। गोपाल कई और गोपाल को, गोपाल कई ग्वालों ने सह मारित है, उसको मार दिया। अतएव उत्तम, इसलिए सही ही कहा है, नीचे श्लोक है क्या, सुहृदाम, सुहृदाम है अच्छे हृदय वालों की, हित कामानाम कल्याण चाहने वाले व्यक्तियों की, वाक्यम बातों को, यो जो अभिनंदती, अभिनंदन नहीं करता, अर्थात उनकी बातों को नहीं मानता, जो हमारा भला चाहने वाला है, जो हमारा मित्र है, हमारा कल्याण चाहने वाला है, यदि वो हमें कोई सुझाव देता है, सलाह देता है, अगर हम उसकी बातों को नहीं मानते तो हमें क्या है, हानि उठानी पड़ती है। यही बताया श्लोक में, सुहृदाम अच्छे वचन, अच्छे हृदय वाले अर्थात हमारे अच्छे मित्र, हित कामाना और कल्याण चाहने वाले व्यक्तियों की, वाक्यम बातों को, यो ना अभिनंदती, जो मनुष्य नहीं मानता, सह वह कूर्म इव, कूर्म कछुए की इव भांति, दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि वाले कछुए की भांति, काष्ठार लकड़ी के डंडे से भ्रष्टो गिर कर विनिश्यति, विनाश को प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसका हाल वही होता है जैसे उस कछुए का हुआ था, क्योंकि कछुए ने अपने मित्रों की बातों को नहीं माना था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे दूसरे पाठ की हिंदी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम इसका अभ्यास भी करेंगे। तो अभ्यास में पहले जो पहला पार्ट है, पहला भाग है, उसमें आपको क्या बोल रखा है, उच्चारण करो। आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उनका उच्चारण करना है। आप उनका शुद्ध शुद्ध उच्चारण करेंगे, आप उनको बोलकर देखेंगे, पढ़ेंगे। तो दूसरा भाग है हमारा प्रश्न उत्तर, एक पदेन उत्तर,
एक पद में उत्तर दीजिए। तो इनकी साथ साथ मैं आपको हिंदी बताऊंगी और ये आपके सामने इनके उत्तर लिखे हुए हैं। जब तक आपको इन प्रश्नों की हिंदी समझ में नहीं आती, हिंदी नहीं कर पाते, आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। तो पहला प्रश्न है आपका, कुर्मस्य किम नाम आसी, कुर्मस्य कछुए का, किम क्या नाम, आसीत नाम था। तो कछुए का नाम क्या था, कंबू ग्रीवह। कई बच्चे इसको, बहुत सारे विद्यार्थी कुंभ ग्रीवह ऐसे पढ़ते हैं या लिख देते हैं, तो जैसा ही शुद्ध बोलोगे वैसा ही आप लिखोगे। तो नाम क्या है, कंबू ग्रीवह। दूसरा है सरस तीरे, नदी के किनारे के आगछन, कौन आए थे, धीवरहा। धीवरा का अर्थ क्या होता है, मछुआरे। कौन आए थे नदी के किनारे, धीवरहा। अगला है कुर्मह कछुआ, केन मार्गेन कौन से रास्ते से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम इच्छति जाना चाहता था, आकाश मार्गेन कौन से रास्ते से जाना चाहता था, वो आकाश के रास्ते से। लंब मानम लटके हुए कूर्म कछुए को, दृष्टवा देखकर के कौन, अधामन कौन भागे थे, उसके पीछे पीछे कौन भागे थे, यहाँ गोपाल कहा। आपकी जो अब बुक आई है उसमें पौरा भी लिखा हुआ है, तो पौरा का अर्थ भी ग्वाले होते हैं और गोपाल का अर्थ भी ग्वाले ही होते हैं। हमारा थर्ड जो भाग, इसका तीसरा भाग है, इसमें क्या बोल रखा है, अधो लिखित वाक्यानी, नीचे लिखे हुए वाक्यों को, कह किसके, क किसको, कथ्यति किसने किसको कहा। जैसे आपको हिंदी में मिलते हैं ना ये बातें, ये वाक्य किसने किसको कहे, तो संस्कृत में क्या होता है, क कम कथ्यति या कम प्रति कथ्यति। तो पहला है आपको सोल्व करके दे रखा है, यथा उदाहरण भी दे रखा उन्होंने, क्या प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जैसा ठीक होगा वैसा ही करना। तो ये बातें किसने कहा थे, किसने कहे थे, ये वाक्य कहे थे हंसौ हंसों ने, किसको कहे थे, कुर्मह कछुए को कहे थे। इसी तरह जो आपका कै भाग है, कै भाग की हिंदी क्या है, अहम भवद व्याम सह, मैं आपके सह साथ, आकाश मार्गेण आकाश के रास्ते, गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। तो ये बातें किसने कही थी, ये बातें कही थी कछुए ने, किसको कही थी, हंसों को कही थी। तो हम क्या लिखेंगे संस्कृत में, कुर्मह हंसौ प्रति, प्रति का अर्थ होता है उसको कही थी। सेकंड है खै भाग, अत्र कह उपाय, यहाँ पर और कौन सा उपाय है, ये बात किसने कही थी, हंसौ कुर्मम प्रति, किसने कहा था, हंसौ हंसों ने कुर्मम प्रति कछुए को कही थी। तीसरा है अहम उत्तरम दास्यामी, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किसने कहा था ये, कुर्मह हंसौ प्रति, कछुए ने हंसों को कहा था। नेक्स्ट है यूयम भसम खादत, तुम राख खाओ, ये बातें किसने कही थी, कुर्मह पौरा या गोपाल कान प्रति। पौरा मैंने आपको पहले ही बताया है, ये इसका दोनों का मीनिंग एक ही है, पौरा या गोपाल कान प्रति कछुए ने ग्वालों को कहा था। अब आपका जो फोर्थ पार्ट है यानी कि चौथा भाग है, उसमें रिक्त स्थान भरने हैं। रिक्त स्थान में आपको ऊपर मंजूषा दे रखी है और मंजूषा की हेल्प या मंजूषा की सहायता से आपको रिक्त स्थान भरने हैं। मैंने आपको बार बार एक ही बात कही है कि जब तक आपको संस्कृत की हिंदी नहीं करनी आएगी, आपको चाहे उसका उत्तर आता हो, आप उसको उसका उत्तर नहीं दे सकते, उसको फिल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कि जो आपसे पूछा गया है उसके बारे में आप सोचो, क्या पूछा गया है, आप उसका अर्थ उसका मीनिंग समझो कि पूछा क्या गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। तो अभ्यास कार्य में जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है रिक्त स्थान। तो पहला है, पहला क्या है हिंदी क्या है इसकी, रिक्त स्थान की, हंसाभ्याम सह हंसों के साथ, कुर्मो अपि कछुआ भी क्या कर रहा था, उड्यते उड़ रहा था। खै भाग है
अहम किंचिदपि न, मैं कुछ भी नहीं, क्या नहीं, वदिष्यामि बोलूंगा। यह जो हित कामना कल्याण चाहने वालों का, सुहृदाम मित्रों का, वाक्यम वचनों को न अभिनंदति, जो अभिनंदन नहीं करता, मानता नहीं। आगे है एक है कुर्मे, एक कछुआ भी तत्रैव वहीं पर क्या करता था, प्रतिवस्ति स्म रहता था। अहम मैं आकाश मार्गेन आकाश के रास्ते से, अन्यत्र दूसरी जगह गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट लास्ट है इसका, वयम गृहम नीत्वा हम घर ले जाकर, कुर्मा कछुए को क्या करेंगे, भक्षिष्यामि खाएंगे। जो आपका विद्यार्थियों पांचवा पार्ट है, पांचवा भाग है, उसमें क्या है, पूर्ण वाक्य में आपसे उत्तर पूछे गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों पूर्ण वाक्य जो प्रश्न है इनकी हिंदी में आपको बता देती हूँ, लेकिन फाइंड आउट आपको ये लेसन पढ़ के स्वयं करना, निशान लगाना है। तो पहले का जो पहले प्रश्न है उसकी हिंदी क्या है, कच्छ पह कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था। दूसरे का है कच्छ पह कम उपाय बदति, कछुए ने कौन सा उपाय बताया था। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा गोपाल कहा कि मदन, लटके हुए कछुए को देखकर ग्वालों ने क्या कहा। कुर्मह मित्रो वचने विस्मृते किम अवदत, कछुए ने अपने मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर क्या बोला। तो इसको आप फाइंड आउट करोगे, इनको आप अपने आप ही इनको छाटोगे। फिर है हमारा छठा भाग, छठे भाग में क्या बताया है आपको, पंक्तियां दे दी गई हैं कहानी में से और वो आगे पीछे दे रखे हैं, तो आपको कहानी के अनुसार उनको क्रम में लगाना है। तो आपकी जो पहली पंक्ति है आपको क्या करना है, वो पांचवें नंबर पे आएगी। मैंने यहाँ आपको नंबर डाल के दे रखे हैं, तो आपको ये नंबर नोट करने हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमारा ये जो छठा पार्ट है ये पूरा हो जाएगा। तो विद्यार्थियों आप इतना सेकंड लेसन का ये काम सारा रिवाइज करना।